दोस्तों प्रॉब्लम ये है, डेल का ये जो आप 1 TB का हार्ड ड्राइव देख रहे हैं, इसका इस कनेक्टर में कुछ शायद प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये डेस्कटॉप पे या तो फिर कोई भी लैपटॉप पे कनेक्ट नहीं होता। जैसे कि देख सकते हैं, मेरे क्लाइंट ने पहले ही कोई एक दुकान पे इसको सर्विसिंग के लिए दिया था, लेकिन ये कनेक्टर जो है वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हुआ, कुछ दिन के बाद फिर से ख़राब हो चुका है। तो मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला है कि इसको एक केसिंग प्रोवाइड करते हैं जो कि है टेराबाइट गोल्ड का, ये सिल्वर कलर का केसिंग, और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसको इसमें इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले तो इस डेल के पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के अंदर से जो मेन हार्ड ड्राइव है उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। उसके लिए इस हार्ड ड्राइव के केसिंग को खोलना पड़ेगा, तो ज़रा उसको खोलते हैं। पहले ये कनेक्टर निकल आएगा, उसके बाद ये जो प्लास्टिक का केसिंग है इसको मोबाइल के बैक कवर के जैसे थोड़ा प्रेशर लगता है इसमें, लेकिन खुलता ही है। इसका बैक कवर आ गया और ये है अंदर का हार्ड ड्राइव। केसिंग इसको साइड करते हैं, हमें मेरी ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। तो पहले ये रबर बूस्ट जो है इसको भी निकालेंगे। और इसका एक ऑलरेडी एक मेटल प्लेट के अंदर ये प्लेसिंग किया गया है, तो ज़रा इसको देख लेते हैं पहले ये फिट होता है या नहीं। नहीं, ये 4 स्क्रू जो है ये हमें निकालना पड़ेगा पहले। तो पहले स्क्रू को निकालते हैं। ये 4 स्क्रू हमने निकाल लिए हैं। अभी इसका जो मेटल प्लेट है वो ज़रा ध्यान से निकालिए। बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसको निकाल सकता है। अभी रह गया हमारे हाथ में ये हार्ड ड्राइव। अभी इस हार्ड ड्राइव को हम इस केसिंग के अंदर प्लेस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस हार्ड ड्राइव को हम यहाँ पर फिट करेंगे। देखिए ये बहुत ही आसानी से ये फिट हो गया, देख सकते हैं। और इसको जाने देते हैं ड्रॉअर को इसके अंदर, बस और कुछ नहीं। और इस एनक्लोजर के साथ 2 स्क्रू आए हैं, उन 2 स्क्रूओं को हम इसमें फिट करते हैं। मतलब इससे सिंपल तो कुछ है ही नहीं, कुछ रिपेयरिंग स्किल की ज़रूरत नहीं है। आप को अगर स्क्रू ड्राइवर चलाना आता है तो आप इसको कर सकते हैं। ये लो, ये आ गया आपका नया हार्ड ड्राइव जो कि है टेराबाइट गोल्ड। और ये टेराबाइट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट निकालते हैं, इनका स्पीड भी बहुत अच्छा रहता है, इनका कनेक्टर का कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। और ये जो केबल देख रहे हैं आप, इस केबल को हम यहाँ पे प्लग करते हैं और ये जो आएगा आपका वो आपके डेस्कटॉप पे या तो फिर लैपटॉप पे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये है टोटल जो एक डेल का पोर्टेबल हार्ड ड्राइव से
आपके लिए बन गया एक नया 1TB का हार्ड ड्राइव। तो हमारा वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अभी हम इस हार्ड ड्राइव एनक्लोजर को अपने डेस्कटॉप के पीछे कनेक्ट करके देखेंगे ताकि इसको सही तरीके से पावर मिल जाए। आगे की पोर्ट पे ये पावर सही तरीके से लेता नहीं, इसीलिए इसको प्रॉब्लम आता है। तो इसको हमने कनेक्ट कर दिए हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और ये आ गया हमारा हार्ड ड्राइव। इसको ओपन करते हैं, कोई भी एक फोल्डर को कॉपी करेंगे। चलिए ये फोल्डर को कॉपी करते हैं। ये लगभग 1 GB के आसपास है और इसको अगर हम कॉपी करते हैं ये 19, 22 MB, 21 MBPS, लगभग 20 के आसपास MBPS पे कॉपी हो रहा है। और ये अच्छा है कि एक हार्ड ड्राइव नए तरीके से जैसे काम करते हैं ये वैसे ही काम कर रहा है। इतने स्पीड से आपको कंपनी वाले का जो इनक्लोजर रहता है वो भी देता है। और ये परफेक्ट सोल्यूशन है, कोई भी हार्ड ड्राइव खराब हो जाए तो इसको सही तरीके से ठीक करने का। ये देखिए कॉपी हो गया, ये 20 के आसपास स्पीड था इसका और उसमें कॉपी हो गया।